अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं आज पालक और चिकन। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें चाहिए होगा 1/2 लीटर पानी एक बर्तन में, और उसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। ये चिकन ऐड हो रहा है चिकन सूप प्रिपेयर करने के लिए। इसमें हम 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच नमक, ये कुछ खड़े मसाले, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे स्पून की हेल्प से और फिर ढक देंगे। ये जी हमने ढक दिया है बर्तन, और इसको हम 3-4 उबाल लाएंगे जब तक हम ये 80% बॉयल वाटर में पालक डालेंगे और 5-7 मिनट तक इसको उबलने देंगे इसमें। उसके बाद इसका पानी निकालेंगे और पालक को किसी प्लेट में सेपरेट प्लेट में निकालेंगे। इसकी कटिंग करेंगे, आप चाहें तो ये वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। ये हमारा चिकन बॉयल हो चुका है और सूप भी रेडी है, जिसको हमने साइड में कर दिया है जो बाद में इस्तेमाल होगा। फिलहाल हम एक पैन में मस्टर्ड ऑयल गरम करेंगे ऑथेंटिक कश्मीरी टेस्ट के लिए, और उसमें हम ये बॉयल्ड चिकन फ्राई करेंगे। हम इसको मीडियम फ्राई करेंगे चिकन को और फिर बाहर निकालेंगे। ये अभी चिकन फ्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है, और हम अब इसको बाहर निकालेंगे किसी बर्तन में। ये इसी वाले ऑयल में हम लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे और 1 मिनट तक इसको चलाएंगे, और अनियन ऐड करेंगे इसमें। हमने इसमें 2 अनियन, एक छोटा एक बड़ा यूज़ किया है, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये अब हम इसमें बॉइल्ड पालक यूज़ करेंगे और इसको साथ में फ्राई करेंगे। ध्यान रखें हमें पालक को बहुत डीप फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है पालक को, और साथ में चलाते रहना है हाई फ्लेम पे। ये हमारा पालक फ्राई हो चुका है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और हमने इसको चलाना है अच्छे से मिक्स करना। ये मैं चिकन सूप यूज़ कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा, ताकि ये मिक्सचर जले ना। और ये चिकन ऐड हो गया है हमारे सारे मिक्सचर में, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जी मिक्स हो रहा है हमारा चिकन। हम इसमें सूप अपने ज़रूरत के हिसाब से और ऐड कर सकते हैं, आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो, जितनी रखनी हो उस हिसाब से सूप डाल दें इसमें, और अच्छे से चलाएं इसको। ये मैंने चिकन मसाला डाला है इसमें 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1 चम्मच, और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है और 5-7 मिनट तक उबलने देना है। इस तरह से हमारा पालक चिकन कश्मीरी स्टाइल में रेडी है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, मैंने जब से रिकॉर्ड किया है तब से 2 बार हम ये बना चुके हैं। आपको यकीन नहीं आता तो खुद ट्राई करें।